दोस्तों, साउथ अफ्रीका के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज एबीडी विलियर्स का आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से बेहद ही खास रिश्ता है। आईपीएल के मंच पर कई सालों तक उन्होंने आरसीबी के लिए प्रदर्शन किया है। फैंस को उन्हें बोल्ड आर्मी की जर्सी में देखना काफी पसंद है। वहीं अब इन प्रशंसकों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एबीडी विलियर्स एक बार फिर से आरसीबी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दरअसल आईपीएल 2023 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कई बड़े बदलाव करने के मूड में है। टीम अब तक एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत सकी है, जिसकी वजह से आईपीएल के 17वें सीजन से पहले कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि अगले संस्करण से पहले फ्रेंचाइजी कोच संजय बांगर और आरसीबी डायरेक्टर माइक हसन के साथ रिश्ता खत्म कर रही है। उनका अब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, जिसे आरसीबी आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि टीम अपने पूर्व खिलाड़ी एबीडी विलियर्स को अप्रोच कर सकती है। वह अगले सीजन हेड कोच के तौर पर आरसीबी के साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि इसकी अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एबीडी विलियर्स काफी लंबे समय तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने आईपीएल के मंच पर 156 मुकाबले में आरसीबी का प्रतिनिधित्व किया है। इस दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 4491 रन बनाए हैं। एबीडी विलियर्स बोल्ड आर्मी के साथ साल 2011 में जुड़े थे और 2021 तक उन्होंने टीम का साथ दिया। इसी के साथ उन्होंने संन्यास का ऐलान किया था। वहीं आपको बता दें कि एबीडी विलियर्स दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेल चुके हैं। उन्होंने अपने आईपीएल करियर में 184 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 39.74 की औसत से 3 शतक और 40 अर्धशतक के साथ 5162 रन बनाए हैं। हालांकि अब ये देखने दिलचस्प होगा कि विराट कोहली के जिगरी यार की आरसीबी में वापसी तय होती है या नहीं। दोस्तों, अगर आप भी एबीडी विलियर्स को एक बार फिर से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।